हेलो स्टूडेंट्स लेट्स द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एवोकाड्रोस हाइपोथेसिस तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है चलो एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनमें से कौन सा एवोकाड्रोस हाइपोथेसिस है या फिर एवोकाड्रोस लॉ है तो पहले ही लिखा गया है गैसेस रिएक्ट टुगेदर इन वॉल्यूम्स विच बी अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर ये एवोकाड्रोस हाइपोथेसिस नहीं है लेकिन ये एक लॉ है जो कि आपने पढ़ा है तो ये है गे लूसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम कहा जाता है कोई एक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स होते हैं गैसियस तो वो वॉल्यूम के सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्शन करेंगे तो ए इज नॉट योर आंसर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और यही बोलते हैं एफोगाइड्रोस हाइपोथेसिस है या फिर एफोगाइड्रोज लॉ तो ये हो जाता है आपका आंसर इसका मतलब समझ लेते हैं मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लो तो वन लीटर ऑफ ऑक्सीजन वही टेम्परेचर एंड प्रेशर में आपने लिया है एंड वन लीटर ऑफ मीथेन गैस तो इन दोनों का नंबर ऑफ एटम्स आप देख लो अलग अलग है इसका दो है और इसका फाइव है लेकिन इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों का ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होने वाले हैं राइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड दैट इज वाई सी में लिखा है नंबर ऑफ एटॉम इक्वल होने वाले हैं दिस इज रॉन्ग नंबर ऑफ एटोम के बारे में नहीं बोला गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बोला गया है और डी में जो है द रेट्स ऑफ डिफ्यूशन गैसेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज ये डिफ्यूशन वाला लॉ जो है ये है ग्राहम्स लॉ तो आपका आंसर है ऑप्शन बी आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है थैंक यू सो मच